हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर हुई है। वॉल्यूम में खासा उछाल है, हालांकि यहां पर 268 मिलियन का वॉल्यूम यहां पर ट्रेड हुआ है। खबरें अच्छी रही थी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, हवाई के साथ बड़ी डील हुई है, उस खबर की बात करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले कि वोडाफोन आइडिया में अच्छे मार्केट में भी गिरावट क्यों हुई है। हालांकि मार्केट ने नोज डाइव जरूर लगाया था हाफ डे के बाद, क्या उसका असर है यहाँ पर, या बाजार में आइडिया को लेकर के कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं आई है? क्या आगे भी गिरावट जारी रह सकती है, या खरीदारी करके पैसा बनाने का समय आ गया है यहाँ पर? बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो 9.65 रुपए का स्टॉक है, 3.8% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखी गई है। 268 मिलियन का शेयर यहाँ पर 268 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं यहाँ पर। डिलीवरी काफी ठीक थी जैसा हमने पहले भी देखा था। बात चार्ट पैटर्न की करें तो स्टॉक ने अपने आप को मेंटेन किया था बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बाजार खुलने के साथ ही, बट प्रॉब्लम यहाँ पर बाजार की भी हुई और थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया की भी यहाँ पर प्रॉब्लम रही है। आप देखेंगे तो स्टॉक ने या स्टॉक मार्केट ने नोज डाइव लगाया है आफ्टर 12:50 के बाद बाजार में नोज डाइव देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। बाजार बुरी तरह से गिरावट में आया है हमारा, बहुत सारे अनसर्टेन और अनवांटेड रीजंस की वजह से ये गिरावट आई है। हालांकि बाजार ने बहुत अच्छे से 15,500 को डिफेंड जरूर करा है, बट स्टिल उतना काफी नहीं रहा है और बाजार लोअर एंड पर ही बंद हुआ है हमारा। अराउंड 0.5% की गिरावट यहाँ पर रही है, मोर देन 5% अगर आप चाहें तो। और कल भी मार्केट में हालांकि गिरावट जरूर थी, प्रॉफिट बुकिंग कल भी हुई थी हमारे सामने, बट मार्केट ने सस्टेन किया था एट द एंड ऑफ द डे तक। बाजार अपने आपको उसी पॉइंट तक लेकर आया था ओपनिंग के पॉइंट तक, तो बहुत ज्यादा गिरावट कल के दिन में नहीं थी। सेटलमेंट के टाइम तक ओवरऑल फ्लैट क्लोजिंग आ गई थी हमारी, बट आज ऐसा नहीं हुआ है। आज स्टार्टिंग ऑफ द डे में काफी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली, बट उसके बाद बहुत तेजी से गिरावट होती है बाजार में और वो एक बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा इरोड हुआ है बाजार से। बहुत सारे स्टॉक जो आज खबरों में थे और खबरों की वजह से बहुत अच्छी रैली कर रहे थे, उन स्टॉक्स में इस गिरावट के बाद काफी ज्यादा प्रॉफिट जो था इरोड होता हुआ देखने को मिला। चाहे वो टाटा पावर में 10% 12% की रैली आ रही थी और जैसे ही ये गिरावट हुई 6% स्टॉक डाउन गया तुरंत के तुरंत। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हाल यही रहा कि 4% की रैली बेहतरीन थी और उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो फ्लैट ओपनिंग वहां पर वहां पर हुई है। बहुत सारे स्टॉक में इसी तरीके रैली रही है और सेम आप देखें तो 12:50 के बाद स्टॉक में गिरावट हुई और वही सेम पैटर्न हमारा वोडाफोन आइडिया में भी रहा है। 1 बजे के आसपास स्टॉक में लगातार तेजी से गिरावट होती, स्टॉक सस्टेन नहीं करता और लगातार लोअर एंड पर ही जाकर के टिकता है। 9.65 रुपए की क्लोजिंग यहाँ पर जरूर आई है, बट स्टॉक डिफेंड नहीं कर पाया अपने आप को क्योंकि खबरें आज बहुत बड़ी नहीं थी वोडाफोन आइडिया में जो इसको सस्टेन कर पाती, बट क्योंकि मार्केट का फोर्स काफी ज्यादा था और इसी वजह से मार्केट का चार्ट उसको फॉलो करना पड़ा। अगर आप पावर सेक्टर को छोड़ देंगे तो आज मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो रहे हैं बाजार के वो लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए देखने को मिले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इन द शॉर्ट रन अगर आप देखें, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप बात करेंगे यानी कि वोडाफोन आइडिया को लेकर के, तो खबरें अच्छी हैं हमारे सामने। बात करते हैं सबसे पहले खबरों की। वोडाफोन ने हवाई के साथ बड़ी डील की थी। वोडाफोन आइडिया साइन एन अग्रीमेंट विद हवाई टू एक्सपेंड इट्स 4G नेटवर्क शॉर्टली अहेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स मार्च अनाउंसमेंट दैट ऑपरेटर्स मस्ट प्रोक्योर ऑल इक्विपमेंट फ्रॉम ट्रस्टेड प्रोवाइडर्स। ट्रस्टेड प्रोवाइडर से ही यहाँ पर ज्यादा तक इक्विपमेंट वहां पर लेना है, इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट किया था। और हवाई एक ट्रस्टेड इक्विपमेंट वेंडर नहीं है हमारे सामने, हमें पता है यहाँ पर। इकोनॉमिक टाइम्स की अगर रिपोर्ट के माने दैट द एग्रीमेंट इज वर्थ 4 बिलियन रुपीज का, यहाँ पर ये एग्रीमेंट है 54 मिलियन डॉलर्स का। और अगर आप और 4.5 बिलियन रुपीज का एंड कवर्स प्लान्ड एक्सटेंशन ऑफ वोडाफोन आइडियाज 4G नेटवर्क एज वेल एज अपग्रेड्स टू इट्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी बढ़ाएगा और 4G का जो नेटवर्क है उसे भी अपग्रेड किया जाएगा यहाँ पर। अगर आप पूरी बात पढ़ेंगे तो द पेपर नोटिस दैट वीआईज इज हवाई बिगेस्ट कस्टमर इन इंडिया। वीआई जो है हवाई का बिगेस्ट कस्टमर है और ये अभी कर्ज में भी 8.5 बिलियन रुपीज कर्ज में है वोडाफोन आइडिया हवाई के। तो यही बड़ा कारण है कि वोडाफोन आइडिया के सामने कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून से अपना वो जो एक सपोर्ट बनाया था, एक अनाउंसमेंट जो बड़ी की थी, एक जो रूल बनाया था वो लागू करने जा रही है, जिसमें कहा गया था कि चाइनीज वेंडर्स को यहाँ पर लिमिटेड करना है, चाइनीज रोल हमें यहाँ पर बहुत लिमिटेड करना है, चाइनीज इक्विपमेंट वेंडर्स को हमें नहीं चाहिए यहाँ पर क्योंकि हमें नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी यहाँ पर सामने आता है। चाइनीज वेंडर्स थोड़े से दुष्ट होते हैं, हमें पता है ये बात, और वो चीजें हमें साफ तौर पर पिछला हमारा एक्सपीरियंस बताता है। ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया हवाई के साथ डील करता है तो कहीं ना कहीं 5G ट्रायल्स को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट में खड़ी हो सकती है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम साबित कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिछले महीने अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी की थी अप्रूव्ड सप्लायर्स के, उसमें हवाई और ZTE दोनों ही चाइनीज
वो दोनों ही लिस्ट में शामिल नहीं किए गए थे। और ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया ने डील किया है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गलती की है। यहाँ पर बात करें भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल ने चाइनीज वेंडर्स को बंद किया था और नोकिया के साथ अपनी $1 बिलियन की डील की थी। साथ ही साथ अगर आप रिलायंस जियो की बात करेंगे तो रिलायंस जियो ने यहाँ पर सैमसंग के साथ बड़ी डील की है, वो भी चाइनीज कंपनी नहीं है हमें पता है। हाँ, अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया चाइनीज वेंडर के साथ गया है, इनका कर्जा भी था इसके ऊपर, और अगर ऐसे में वोडाफोन आइडिया ने ऐसे डील की है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ किए हैं और 5G ट्रायल्स को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये एक नेगेटिव खबर हो सकती है आने वाले दिनों के लिए, और वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इस खबर के बाद, इस डील के बाद स्पेशली अगर हम बात करें। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल्स ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, Q4 के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं हालांकि, बट जल्दी ही कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है। बात करें डिलीवरी की तो देखो वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है कंपेयर टू प्रीवियस डेज। 4 जून को 400 बिलियन का वॉल्यूम आया था, 25% डिलीवरी, और 7 जून को 346 मिलियन वॉल्यूम आया, 36% डिलीवरी, और 8 जून को 385 मिलियन का वॉल्यूम आया और 21% की डिलीवरी। डिलीवरी काफी अप्स एंड डाउन्स में है हमारी, हालांकि नंबर ऑफ शेयर डिलीवर्ड काफी अच्छे हैं, 83 मिलियन शेयर डिलीवर हुए थे 8 जून को, काफी अच्छे नंबर्स का डिलीवरी बनी हुई है हमारे सामने, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है, एक सस्ता स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और जिस तरह से वोडाफोन आइडिया लगातार काम कर रहा है अपनी स्फीयर में और टेलीकॉम कनेक्टिविटी कंपनी से लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहा है टेक्नोलॉजिकल कंपनी में, उसका फायदा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा श्योरली, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जहां पर अगर आप पैसा लगाते हो 8 रुपए का शेयर 80 तक 80 तक तो आसानी से जा सकता है, तो ऐसे ही स्टॉक में फायदा है पैसा लगाने में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होती है चाइनीज वेंडर से तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छी रैली के लिए रेडी हो चुका है। बात करें चार्ट पैटर्न की, लोअर एंड पर 9.25 रुपए का आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सपोर्ट काफी कामगार रहने वाला है। 10.50 रुपए का आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये ब्रेक हो सकता है हमारा आने वाले दिनों में। 63 का RSI है हमारे सामने जो कि अच्छा RSI है, स्पेस काफी है ग्रोथ का, और बैक भी हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में, हिस्टोग्राम भी हमारे अपर साइड में बन रहे हैं। ओवरऑल खरीदारी का चार्ट पैटर्न है, खरीदारी करने की मेरी सलाह भी पहले भी थी अभी भी है, नॉट मोर देन 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल, स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना है, 10% से ज्यादा इस स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है किसी भी कीमत पर, और एवरेज करने की कोशिश नहीं करनी है किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी बाजार के हालात अभी तक ठीक ठाक है, नोज डाइव जरूर लिया है बाजार ने, 2-3 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है, कल भी गिरावट हुई आज भी गिरावट है, हो सकता है कल भी गिरावट हो, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, अगर गिरावट होती तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब तक निफ्टी 15,500 को डिफेंड करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे सामने, बने रहने की सलाह मेरी रहेगी। FII DII का डेटा अगर देखें तो DII लगातार बिकवाली कर रहे हैं, यहाँ पर पिछले हफ्ते भी इन्होंने बिकवाली की थी, इस हफ्ते भी लगातार शुरुआत से ही ये लोग बिकवाली में अड़े हुए हैं, तो बने रहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार अगर न्यूट्रल जोन में भी रहता है तो भी वोडाफोन आइडिया भागता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होल्ड कीजिए, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, लाभ बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो